दोस्तों, वेलकम टू नो स्टडी। आज अपन लेकर आ चुके हैं डिफरेंस क्या है दोनों घड़ियों में, अंतर क्या है। दोनों घड़ियों को देखिए आप अपने ढंग से और आप जान पाएंगे क्या अंतर है, क्या क्वालिटी है, क्या वर्जन है। आपको दूर से क्या लग रहा है, डिस्प्ले में क्या अंतर है, आपको दूर से क्या दिख रहा है, आपको दूर से क्या दिख रहा है। इसकी यदि अपन डिस्प्ले चालू करते हैं, आपको क्लियर दिख रही है, आपको क्लियर दिख रही है ना, आपको क्लियर दिख रही है। आप उसको मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए जूम करती है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से इस डिस्प्ले को देखिए और यहाँ से इस डिस्प्ले को देखिए, क्या अंतर आपको दिख रहा है, क्या चीज़ है। आपको ये डिस्प्ले ज़्यादा साफ दिख रही है मोबाइल में और ये डिस्प्ले कम साफ दिख रही है, यही अंतर है। आपको मैं बताऊँ, ये जो है आपका HD है फुल, मतलब कि इसकी क्लियरिटी जो है ना वो बहुत साफ है। इसमें कौन सी घड़ी है, ये फायरबोल्ट की घड़ी है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी आपको डिस्प्ले बता देता हूँ। इसकी डिस्प्ले वैसे आपको अच्छी दिख रही होगी, साफ दिख रहा होगा, बट क्वालिटी वो नहीं है। मतलब कि वो कलर जो है ना, वो कलर इतने अच्छे ब्राइट नहीं है। आपको आपको मोबाइल के अंदर ऐसे दिख रही है, बट आपको बता दूँ कि आप जब देखोगे ना, लाइव देखोगे, तो आपको इसमें इतनी ब्राइटनेस, इतना कलर में इतना शानदार वो दिखेगा ना, मज़ा आ जाएगा देखने में। और इसी जगह आप इसको देखोगे ना, इसमें कुछ भी नहीं दिखता, ये सामान्य दिखती है केवल केवल, ठीक है। तो ये अंतर है इन दोनों घड़ियों में। दूसरी बात, आप साइज़ का देख सकते हो, देखिए ये बड़ी साइज़ है, छोटी साइज़ है, वो तो अंतर आपने देखा था, ठीक है, क्योंकि ये बैक कॉल 2 है, ये निंजा प्रो मैक्स है, ठीक है। तीसरा जो अंतर है वो एक छोटा सा अंतर है, जैसे कि आप इसकी सेटिंग्स में यदि आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके मेनू फंक्शंस में यदि आप जाओगे तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले है, देखिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ब्राइटनेस, वॉच फेसेस, मेनू, ठीक है, मेनू व्यू, ग्रिड पैनल, ग्रिड व्यू, पैरेलल व्यू, ऐसे कई सारे व्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे दिखाते हैं उसको। जैसे कि आप इसको यदि अपन सेलेक्ट कर लेते हो तो ये अपन को व्यू आपको देखने मिलेगा, बट वो सारी चीज़ें आपको इधर नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इधर नहीं मिलेंगी। देखिए ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ, सेटिंग, स्लीप, वॉच्ड, डू नॉट डिस्टर्ब सिस्टम, बस और कुछ नहीं है इसमें, केवल फेसेज हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो सिस्टम आपको, एडवांस सिस्टम जो है वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ की कमी बता देता हूँ, इसमें जो आपको जो फ्लैश लाइट जो दिख रही है आपको, ये फ्लैश लाइट जो आपको दिख रही है इसमें, इस घड़ी में जो फ्लैश लाइट आपको दिख रही है वो इसमें नहीं है। किस में नहीं है, इसमें नहीं है, आपके इस वाली घड़ी में फ्लैश लाइट नहीं है। अपनी की फायर जो फायरबोल्ट की जो घड़ी है उसमें अपनी की फ्लैश लाइट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या सिस्टम है, ये अब इसने डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है। तो आप डिस्प्ले को अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस देखिए, ब्राइटनेस का लेवल देखिए आप इसका, ठीक है। अब आपको कितनी क्लियरिटी दिख रही है आप इस, अब देख पाओगे अब इस, अब इसमें मतलब जो फंक्शंस जो है ना वो काफ़ी अच्छे ढंग से डिज़ाइन किए गए, बट वो फंक्शंस इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से डिज़ाइन नहीं किए गए। यदि इसमें देखिए सेटिंग पर यदि अपन जाते हैं ना, इसमें सेटिंग कहाँ है, इसमें देखिए सेटिंग्स पर जाते हैं, रिंगटून, वाइब्रेशन, इसमें वो, अब इसमें देखिए सिस्टम पर गए, अब इसमें कहाँ है, अब इसमें कहाँ स्क्रीन स्लिप, स्क्रीन स्लिप का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का ऑप्शन कहाँ है इसमें। तो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है ना वो ऊपर की तरफ दिया गया मेरे अनुसार, देखिए ब्राइटनेस का ऑप्शन इसमें। अब दोनों घड़ी को देखिए आप, ठीक है, अब इस घड़ी को देखिए, इस घड़ी में कितनी सफाई दिख रही है आपको। अब आपको फायरबोल्ट की घड़ी में साफ सफाई दिख रही होगी, कितनी सफाई है इस घड़ी के अंदर, अब आप खुद क्लियरिटी देख पाओगे। और इस घड़ी को देखिए आप, वही चीज़ है कि इसमें आपको क्या क्लियरिटी दिखेगी, इसमें HD पिक्सल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये अंतर है थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसमें क्या है, ब्राइटनेस आपको मैंने दिखा दी, ठीक है, और इसमें जो फंक्शंस है वो आपका बैटरी सेवर है, बैटरी सेवर्स यदि अपन चालू कर दें तो बैटरी सेवर पर लग जाती है, ठीक है। और इसमें और भी फंक्शंस हैं, QR स्कैन है, ये सेटिंग है, वाइब्रेट, DND, लो पावर मोड, फ़ोन ऑफ, ऑडियो ऑफ, फ़ोन रीसेट, सिस्टम, अब सिस्टम ये रीस्टार्ट वीस्टार्ट आ जाता है, ये घड़ी रीस्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसमें और भी और क्या चीज़ें, नोटिफिकेशंस हैं, या हार्ट बीट है, वो सारी चीज़ें अपन की हैं, ठीक है। टर्न ऑन, अब ये टर्न ऑन हो गई, अब पावर ऑफ जो अपने अल्ट्रा सेवर में जो मोड ऑन किया था वो हट गया। तो वो चीज़ें हैं इसमें, केवल ये है कि आप कंट्रोल कर सकते हो फ्लैश लाइट से, कैमरा और सारी चीज़ें सेम है, और कोई अंतर नहीं है इनमें। थोड़ा सा अंतर जो है वो डिस्प्ले का है, इसकी डिस्प्ले छोटी है और थोड़ा कम HD क्वालिटी है, इसमें थोड़ा
फिक्स इसकी ये डिस्प्ले है ना, अब इन दोनों घड़ियों को देखिए आप, इन दोनों घड़ियों को, इनकी डिस्प्ले में आपको यही अंतर दिख जाएगा कितनी, इसमें बहुत सॉफ्टनेस है इस घड़ी में, जबकि ऐसा इस घड़ी में, इस घड़ी के साथ नहीं है। डबल टैप बटन तो दोनों में ही किसी में भी काम नहीं करता, आप देख पाओगे, ठीक है, डबल टैप बटन तो किसी में भी काम नहीं करता। 2 मिनट लिए, जैसे कि अब ये भी बंद हो जाए थोड़ी बहुत दिनों, 5 सेकंड, डबल टैप बटन किसी में भी काम नहीं करता, वो तो है ही। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है, और मेरे अनुसार आपको फायरबोल्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कई सारे फ़ायदे हैं आपको, क्या चार्जिंग लेवल सबसे बेटर मिलेगा, स्क्रीन की क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेटर मिलेगी, ठीक है, और मोड जो फंक्शंस है ना वो भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे बजाय बोट के। बोट की घड़ियों में बहुत कम है आपको, मैं बैबकॉल 2 एक नया वर्जन है वैसे माना जाता है, बैबकॉल 2 अभी आया है, ठीक है, उसमें भी आपको ये फंक्शंस देखने को नहीं मिले। हालांकि ये घड़ी मेरे को इस घड़ी से महंगी पड़ी है, ठीक है, तो वो आप खुद देख सकते हैं आपको कौन सी घड़ी लेनी है। बस मेरा सजेशन ये है कि आप फायरबोल्ट को अधिक प्रेफर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस और सारी चीज़ें इसमें शो की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी, एंड शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए।